असलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे थे यूरिक एसिड पाथवे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाया, उधर से यूडीपी ग्लूकोज, फिर यूरिडीन डाईफॉस्फेट, यूडीपी ग्लूकोनेट, फिर ग्लूकोनेट, फिर एल्ग्लूनेट, फिर 3 कीटो एल्ग्लूनेट। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी डीकार्ब ऑक्सीडेशन कर दी, कार्बन निकल गया, एक कार्बन यूनिट निकल गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये 5 कार्बन वाली शुगर रह गई, और ये 5 कार्बन वाली शुगर रह गई वो है हमारे पास एल ज़ाइलोलोज। ठीक है, एल ज़ाइलोलोज बन गए। अब ये जो एल ज़ाइलोलोज है ना, मैंने आपको कहा था कि यूरिक एसिड पाथवे में 2 सक्सेसिव स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें पहले NADPH हाइड्रोजन 2 देता है, और फिर उसे अगले ही स्टेप में NAD आता है और वो दोनों हाइड्रोजन वापस ले लेता है। ठीक है, इस स्टेप में भी वही होना है, ये पहले यहाँ पे हुआ था, डी ग्लूकोनेट ने पे आया था, NADPH ने इसको 2 दिए थे हाइड्रोजन, एल ग्लूनेट में कन्वर्ट हो गया था, तो इसी तरह, और बाद में दोबारा जब NAD आया तो वो हाइड्रोजन उसने ले लिए और 3 कीटो एल ग्लूनेट में कन्वर्ट हो गया। अब एज डायलोज में भी ये स्टोरी होनी है, एल ज़ाइलोलोज ने क्या करना, एल ज़ाइलोलोज के पास आएगा NADPH प्लस H2, ये अपने 2 हाइड्रोजन दे देगा इसको, अपने 2 हाइड्रोजन दे देगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा जब, तो ये जो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ, 2 पे कीटोन ग्रुप था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 को देता है हाइड्रोजन दे देगा, तो ये बन जाएगा ज़ाइलिटोल। अब ज़ाइलिटोल पे NAD आएगा और ये हाइड्रोजन जो इसको दिए होते हैं ना वो वापस ले लेगा, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ, ठीक है, हाइड्रोजन वापस ले लेगा। हाइड्रोजन जब वापस ले लेगा ना, तब हमारे पास डी ज़ाइलोलोज आ जाएगा। पहले हमारे पास क्या था, एल ज़ाइलोलोज था, अब हमारे पास आ जाता है डी ज़ाइलोलोज। ठीक है, पहले हाइड्रोजन आए दिए, बन गया ज़ाइलिटोल, फिर दोबारा हाइड्रोजन रिमूव करवाए, एंजाइम एक्ट करता है यहाँ पे सारे पे एल डी ज़ाइलोलोज रिडक्टेज। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डी ज़ाइलोलोज में। अब ये जो डी ज़ाइलोलोज है ना हमारे पास, इसकी इस पे इसकी फॉस्फोरिलेशन करानी है, 2 कंडीशंस है, ये 5 कार्बन वाली शुगर है ना, तो 2 कंडीशंस है, या तो इसके कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फोरिलेशन करा दी जाए या इसके कार्बन नंबर 5 पे करवा दी जाए, तो हम दोनों कर देते हैं। 5 पे अगर होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, 5 पे फॉस्फोरिलेशन हो गई, ATP के साथ मैग्नीशियम भी आ रहा है। ठीक है, और ये डी ज़ाइलोलोज फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में दाखिल हो जाता है, क्योंकि जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की जो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है उसके एंड पे हमें 2 ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट मिलते हैं और एक हमें मिलता है राइबोज फॉस्फेट, तो ये ज़ाइलोलोज फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला जाता है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट कार्बन पे करते हैं, फर्स्ट यूनिट पे करते हैं फॉस्फोरिलेशन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डी ज़ाइलोलोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोल एल्डिहाइड में। ठीक है, और वो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो आगे से ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, डी ज़ाइलोलोज पे एक 5 पे एक्ट किया तो 5 फॉस्फोरिलेशन हुई तो कन्वर्ट हो गया डी ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट हो गया पेंटोज फॉस्फेट, वो चला गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, और अगर फर्स्ट पे होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी ज़ाइलोलोज 1 फॉस्फेट में, और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोल एल्डिहाइड में, फिर ग्लाइकोलेट में, और देन ऑक्सैलेट में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड, पेंटोजिस, और इसके अलावा एस्कॉर्बेट। हमने ग्लूकोरोनिक एसिड बना लिया, पेंटोजिस भी बना लिए, पेंटोज शुगर, ये एल ज़ाइलोलोज और ये डी ज़ाइलोलोज। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा रह गया एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो हमारे पास एल ग्लूनेट था ना, डी ग्लूकोनेट पे हमने NADPH एक्ट कराया तो
वो एल ग्लूनेट बन गया। अब अगर एल ग्लूनेट कन्वर्ट अगर हम इसकी करा दें ना डिहाइड्रेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल ग्लूनोलेक्टोन में, ठीक है, एल ग्लूनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हम अगर डिहाइड्रेशन करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल ग्लूनोलेक्टोन में। इसके बाद यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है एल ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज, मतलब ऑक्सीडेशन होती है, एल ग्लूनोलेक्टोन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है और तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर टू कीटो एल ग्लूकोलेक्टोन में। ये जब एल ग्लूनेट पे हुई थी ना हाइड्रोजन ऐड हुए थे रिमूव हुए सॉरी, तो यहाँ पे थ्री कीटो एल ग्लूनेट बना था, लेकिन जब एल ग्लूनोलेक्टोन की हमने ऑक्सीडेशन करानी है मतलब तो फिर क्या होना है, यहाँ पर टू कीटो बनेगा, यहाँ थ्री कीटो बना था, ये टू कीटो एल ग्लूनोलेक्टोन बन जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एल एस्कॉर्बेट में, ठीक है, जिसे एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। टू कीटो एल ग्लूनोलेक्टोन कन्वर्ट हो गया एल एस्कॉर्बेट में, ठीक है, ये एल एस्कॉर्बेट ह्यूमन में तो डायरेक्टली, इसके बाद में बताती हूँ मैं आपको वो बात, एल एस्कॉर्बेट की अगर हाइड्रोजन रिमूव करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीहाइड्रो एस्कोबेट, डीहाइड्रो मतलब दो हाइड्रोजन रिमूव करा दिए हैं इस एस्कोबेट में से। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुए हैं, हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन रिमूव कराए हैं, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है इसके दरमियान में, डबल बॉन्ड बन जाता है सी और ओ के दरमियान में, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकाल दिए। अब ये डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट फर्दर टूट जाता है ऑक्सलेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में, हमें एंड प्रोडक्ट इस पाथ में से भी ऑक्सलेट मिला और इस पाथ में से भी ऑक्सलेट ही मिला। अब अगर यहाँ पर एल ज़ाइलोज ज़ाइलिटोल में और आगे से डी में कन्वर्ट नहीं होता, यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो उसकी वजह से पेंटोज यूरिया हो जाता है, मतलब एल ज़ाइलोज यूरिन में अपीयर होने लग जाता है, तो एक पेंटोज शुगर है इसलिए इसको पेंटोज यूरिया कहते हैं इस कंडीशन को। इसके बाद ये जो है ना एल ग्लूनोलेक्टोन जब कन्वर्ट होता है टू कीटो एल ग्लूनोलेक्टोन में, यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है ग्लूनोलेक्टोन ऑक्सीडेज, तो प्राइमेट्स पिग्स और ह्यूमंस में क्या होता है कि ये तो ये पाथ में नहीं होता, यहाँ पे ये एंजाइम नहीं होता, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होता, उसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं होता टू कीटो में और कन्वर्ट नहीं हो सकता एस्कॉर्बेट में, इसलिए एस्कॉर्बेट जिसे एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी भी कहते हैं हम डाइट में लेते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो ये डिहाइड्रोस्कॉर्बेट है ना, इससे मैंने कहा दो चीज़ें बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सलेट, ठीक है, लेकिन ह्यूमन में ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। रिकॉल कर लें अगर हम एक मिनट बाद, तो हमारे पास था ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, उसकी हमने म्यूटेशन कराई तो वन फॉस्फेट बन गया, वन पे चला गया फॉस्फेट, फिर हमने प्रोडक्ट के नाम पे फिर हमने ये ग्लूकोज वन फॉस्फेट यूटीपी के साथ मिला तो यूटीपी ग्लूकोज बन गया और इसके साथ पायरोफॉस्फेट बनता है। ये एंजाइम का नाम इसके प्रोडक्ट के नेम पे है यूटीपी ग्लूकोज और साथ में पायरोफॉस्फोरिलेज। इसके बाद इसकी डिहाइड्रोजनेशन करा देनी है, डिहाइड्रोजनेशन हो गई, ये दो स्टेप हैं, पहले में डिहाइड्रोजन रिमूव हो गए, दूसरे में वाटर ऐड होगा सिक्स कार्बन पे, तो ये बन जाएगा यूटीपी ग्लूकोरोनेट। फिर ये यूडीपी ग्लूकोरोनेट को ग्लूकोरोनेट में कन्वर्ट करना है तो ये यूडीपी रिमूव कर देंगे, फिर बाद में एनएडीपीएच आएगा अपने हाइड्रोजन देगा तो ये एल ग्लूनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एल ग्लूनेट पे दो चीज़ें दो बातें हो सकती हैं, या तो इसमें से वाटर रिमूव होकर ये एल ग्लूनोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाए, या इसमें ये या तो इसमें से वाटर रिमूव कर दें या इसमें से ये जो इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अगर तो इसमें से वाटर रिमूव कर देंगे तो ये एल ग्लूनोलेक्टोन कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्री कीटो एल ग्लूनोएट में, क्योंकि थर्ड पे हाइड्रोजन रिमूव हो गए।
फिर सक्सेसिव स्टेप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मूव करा दी तो ये एक एजाइलोज बन गया। एजाइलोज के बाद हमने NADPH आया, आपने हाइड्रोजन दो दिए तो ये कन्वर्ट हो गया ज़ाइलिटोल में। ज़ाइलिटोल पे फिर एक्ट करता है डीज़ाइलोज डिडक्टेज, तो फिर जो हाइड्रोजन थे वो दोबारा रिमूव हो गए, ये बन गया डीज़ाइलोज। अब ये डीज़ाइलोज के वन पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो वन फॉस्फेट और फिर ग्लाइकोएल्डिहाइड ग्लाइकोलेट और ऑक्सलेट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फिर फाइव पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में चले जाएगा। और ये एल्ग्लूनेट में से अगर वाटर निकलेगा तो ये एल्ग्लूनोलेक्टोन बन जाएगा, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये टू क्रिप्टो एल्ग्लूनोलेक्टोन बन जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एस्कॉर्बेट में, एस्कॉर्बेट में से दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो ये डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट बन जाता है। डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सालेट और कार्बन डाइऑक्साइड में।